हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप लोग? और देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू हुआ है। और सुबह सुबह फ्रेंड्स धूप निकल गया है और रात में ना बहुत बारिश हुई है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सारे कपड़े भींग गई हैं। वैसे मैंने तो अपने कपड़े सारे ले लिए थे और कल मैं ना धोई थी। तो फ्रेंड्स मैं छत पे आई थी थोड़ा टहलने के लिए और उस टाइम से मैं टहल ही रही थी। अभी धूप बहुत अच्छा निकल गया है तो जा रही हूँ मैं चाय बनाने, नीचे चलते हैं अभी। तो पूरे दिन की सफाई के बाद हम आ गए हैं सुबह चाय बनाने। और अगले दिन ना मेरा मतलब एकदम से तबीयत ख़राब जैसा लग रहा था तो थोड़ा लेट ही उठे हैं। और सुबह उठ के मैं छत पे चली गई थी, बाहर टहलने नहीं गई थी। तो छत पे टहल के आके और यहाँ पे मैं चाय बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। गरम पानी पी के मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और सुबह का नाश्ता मैंने बनाया है दाल और रोटी, क्योंकि ऑयली ऑयली 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग सोचे ना कि आज थोड़ा सा सिंपल खाते हैं। और दाल में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसकी वजह से आज हम लोग दाल ही रोटी खाएँ। और ये नाश्ता करके ना चले गए हॉस्पिटल। तो मैं आ गई हूँ यहाँ अपना फ्रिज की सफ़ाई करने, क्योंकि सारी चीज़ें तो साफ़ हो गई थी लेकिन फ्रिज में ऊपर से साफ़ कर दी थी लेकिन अंदर से मैं साफ़ नहीं की थी, और इसलिए मुझे साफ़ करना पड़ा ना, क्योंकि मैं फ्रिज में चिकन वगैरह ये सभी रख देती हूँ। और वैसे भी फ्रिज में अंडा रखूँ या फिर चिकन रखूँ उसे तो साफ़ करना ही है, तो मैं हर 10-15 दिन में अपना फ्रिज ना अंदर से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैं बारीक बारीक निकाल ली हूँ। और एक लाइन से निकालने के बाद अंदर के एक कॉटन का कपड़ा ले ली हूँ, उसे थोड़ा सा गीला करके, और देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ और बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गया है। और ये नीचे वाला जो आलू प्याज रखने वाला जो स्टैंड है ना, उसे मैं जब से फ्रिज आया था ना तब से मैं मुझे लग रहा था कि ये नहीं निकलेगा, लेकिन फाइनली ये आज निकल गया है। और एक आलू उसमें सड़ के ना उसमें दाग लग गया था, तो आज मैं उसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। तो देख सकते हैं उसे तो साफ़ करके और भी चीज़ें जो हैं उसे मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और दिवाली का है ना फ्रेंड्स, जितना साफ़ सफाई करो एक एक चीज़ निकलते जाता है। तो अभी तो आज मैं ये सारी चीज़ें साफ़ कर ले रही हूँ। कल किचन के जितने सारे डब्बे वगैरह हैं ना वो सभी मुझे साफ़ करना है और पोछना है, क्योंकि एक दिन इतने सारे काम मैं नहीं करूँगी एक साथ, करने में ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। और दिवाली का एक मतलब पहले कहते थे ना लोग कि लक्ष्मी कहीं से भी आ सकती हैं, किसी भी कोने से, तो सो ये इसीलिए दिवाली की बहुत ज़्यादा थोड़ा साफ़ सफ़ाई होती है। और इसी बहाने फ्रेंड्स कोने कोने की भी सफाई हो जाती है, जो कि बहुत अच्छा भी है और अच्छा भी लगता है। ऐसे तो आदमी आलस करता है लेकिन दिवाली के टाइम आते आते सब कुछ क्लीन करने लगता है, यही चीज़। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं, खाना वाना खा के और मैं सो गई थी। बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की हूँ मैं, पूरे फ्रिज का सफाई। और देख सकते हैं यहाँ लू आके बैठी हुई है और उसकी माँ वहाँ पे है। तो चलिए शाम की चाय बनाते हैं और ब्रेड सेक लेते हैं अपना थोड़ा सा। भरोसा तुम कुछ नहीं कुछ नहीं।
बुज्जू कुछ नहीं। कहाँ गया? फिर तो बटुली है दे और बच्चे ए आओ इधर आ, चलो चलो तुमको बाहर निकालो, चलो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जाओ 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 बिल्लू जा, चल के आ जाइए। गिरा है लेकिन कुछ नहीं है मेरे आगे, बहुत अच्छी है। तो देख सकते हैं यहाँ साइड में हमारा ब्रेड सिक रहा है और चाय। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।